सो भाई यहाँ पे देख सकते हो पूरा महल बना दिया सेंटर्स क्लब दुर्गापुर। तो इसी का मैं बात कर रहा था कि सेंटर्स क्लब दुर्गापुर कितना मस्त बनाया है भाई लोग। बैठा हूँ तो यहाँ पे आप मुझे भी देख सकते हो, तो मैं भी चेयर पे यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा छोटा भाई भी यहाँ पे बैठा है, और पीछे आई थिंक आप देख पाओगे कि सेंटर्स क्लब का बड़ा सा पूजा पंडाल है जिसका। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल GRBDGP एंड वेलकम टू माय फ्रेश न्यू वीडियो। तो भाई लोग आई थिंक आप शाम के टाइम में निकला हूँ, एकदम शाम हो चुका है, और आई थिंक आप नज़ारा देख पाओगे कि रोड्स पूरा गीला गीला है, आई थिंक देख पाओगे, और रोड्स पूरा डार्क ब्लैक है। मतलब भाई आज को सप्तमी का दिन है, तो हैप्पी महासप्तमी भाई लोग एवरीवन। एंड सप्तमी के दिन भाई सुबह से जो बारिश चालू हुआ भाई, अभी शाम के टाइम जस्ट थोड़ा देर पहले ही बारिश रुका है भाई, तो आई थिंक आप देख ही पाओगे रोड्स पे अच्छा से। तो मैं भी जस्ट थोड़ा सा शाम को फ्री था एक्चुअली, ये तो मैं दोपहर के टाइम ही निकलता ब्लॉग करने, लेकिन रात के टाइम फिलहाल अभी निकला हूँ। सो फार सो गुड। एंड अगर आपको मेरा चैनल का वीडियो पसंद आ रहा है भाई, दुर्गा पूजा रिलेटेड अगर आपको कंटेंट मिल रहा है, तो गाइस प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली मिलता रहे। एंड भाई लोग थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ अपना एक छोटा भाई को पिक करने, तो उसका नाम है सुभाष सरदार, तो उसको जाएंगे थोड़ा सा पिक करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पे घूमा जाएगा, वहाँ पे घूमेंगे लोकल में। क्योंकि भाई देखो एक चीज़ मैं मानता हूँ कि ये जो पानी बरस गया है ना, तो इसके लिए जगह जगह पे कीचड़ होगा, तो आई थिंक आप रोड पे ही देख पाओगे कि चारों साइड पानी लगा हुआ है, तो थोड़ा संभल के जा रहे हैं भाई। तू फैशन को तेरा चीज़ नहीं रे भाई, भाई ये जॉर्डन ने जूतों की नहीं चीज़ नहीं देखी भाई, तू तो जॉर्डन का जूता खरीद लिया भाई। हाँ हम जॉर्डन ही पहनते हैं क्योंकि हम यूट्यूबर हैं ना, थोड़ा सा महंगा चीज पहनते हैं। A few moments later. এখনই দিতে মানে ঘুরে যেতে কত দিয়ে দেন। तो भाई लोग देख सकते हो फाइनल बेबी लाइट को यहाँ पे पार्क कर दिया हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो छोटे भाई के साथ आ चुका हूँ आज को सेक्टर 2C में। तो सेक्टर 2C में जानते हो कितना बड़ा लोकेलिटी है हमारे सिटी दुर्गापुर में, तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा घूमते ऐसे ही टहलते आ चुका हूँ, और देख ही सकते हो पूरा चारों साइड में मेला लगा हुआ है, और सामने वो ये जो चीज़ देख रहे हो ये है पंडाल। सकते हो यहाँ पे फिलहाल पूरा चारों साइड में मेला है, तो बच्चे लोगों का पूरा चारों साइड में मेला है। आप देख ही सकते हो सेक्टर 2C को बहुत मस्त सजाया गया है, और कीचड़ के लिए पूरा हालत ख़राब है, क्योंकि भाई अब समझ ही सकते हो, तो सप्तमी के दिन मतलब आज को दुर्गापुर में सुबह से ही बरसात हो रहा था, तो बरसात के लिए पूरा हालत ख़राब है, चारों साइड में पूरा बरसात ही बरसात हो गया, और कीचड़ हो गया चारों साइड में। तो आई थिंक आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्टर 2C, सुबह यहाँ पे देख सकते हो इसी यही वाला है सेक्टर 2C का वो वाला बड़ा पंडाल जिसका मैं बात कर रहा था, इतना तारीफ़ कर रहा था। तो देख सकते हो कितने दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे भी मतलब दर्शन करने माँ का, तो देख सकते हो कितना सही लुक है यहाँ से आ रहा है, मस्त आ रहा है भाई यहाँ से लुक। सो भाई लोग यहाँ से एक्चुअल शुरू होता है दुर्गापुर का एक फेमस लोकेलिटी जो है सेक्टर 2C, जहाँ पे बहुत ही बड़ा पूजा मंडप किया जाता है। आप देख सकते हो आई थिंक वीडियो में देख ही पाओगे कि यहाँ पे कितना मस्त डिटेलिंग से पूरा बनाया गया है पूजा मंडप, और मैं जिसे जैसे सामने जो रहा हूँ आप देख पाओगे कि लोग कितने ज़्यादा भीड़ करके मतलब यहाँ पे जा रहे हैं, तो बहुत खचाखच भीड़ था, बीच बीच में अपने आप को भी दिखा रहा था ताकि आप लोग थोड़ा सा माहौल का मज़ा ले सको। और जो लोग दुर्गापुर से होंगे वो लोग तो जानते होंगे कि सेक्टर 2C है क्या, और जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ वैसे वैसे आप देख सकते हो कि ये जो सामने वाला एंट्रेंस है इसका ऊपर कितना मस्त डिज़ाइन से बनाया गया है, और जैसे ही अभी मंडप के अंदर घुस रहा हूँ तो देख सकते हो कितना मस्त मतलब तरीके से सीढ़ी से उतर रहा हूँ, और लोग कितना भीड़ है भाई, मतलब पूरा एकदम तबाही सीन था। और यहाँ बीच बीच में मैं अपने आप को भी दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और देखते रहो कि मैं क्या क्या कर रहा था। एक तो ब्लॉगिंग करना इतना भीड़ भाड़ में बहुत दिक्कत वाला होता है बात होता है, और लोग अजीब अजीब रिएक्शंस देते हैं, तो सबको मैं परवाह नहीं करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, और मैं धीरे धीरे ऐसे करके पंडाल का भीतर घुस गया मतलब इनसाइड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर जो सीलिंग वाला एरिया है क्या मस्त झूमर के साथ सजाया गया है भाई, मतलब एकदम सही सीन है, मतलब भाई दुर्गा पूजा बंगाल में एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट होता है भाई। और सामने आई थिंक आप देखोगे कि सब लोग कितने भीड़ करके खड़े हैं, और माँ दुर्गा का सब कोई फ़ोटो लेना चाहते हैं, सब कोई आरती लेना चाहते हैं, दर्शन लेना चाहते हैं, तो मैं भी धीरे धीरे करके आगे जाता हूँ और मैं भी माँ का दर्शन करता हूँ, और सामने ही मुझे देखने को मिलता है कि एक पंडित जी सबको टीका लगाते हैं, तो मैं भी सामने गया और मैंने भी पंडित जी को बोला कि मुझे भी आप टीका लगा दीजिए,
तो पंडित जी ने आई थिंक वीडियो में देख पाओगे कि मुझे भी टीका लगा दिया। तो यही था टेक्सटर टू सी वाला ब्लॉग फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ ऑफ पूजा मंडप। एंड यहाँ पे देख सकते हो साइड में जब मैं एग्जिट जगह से निकल रहा था तो यहाँ पे भी देख पाओगे कि जबरदस्त कितना मस्त हैंडीक्राफ्ट आर्किटेक्चर बनाया हुआ था भाई, एकदम सही सीन है। अब यहाँ से धीरे धीरे करके भीड़ भर रहा था तो मैं निकल गया यहाँ से, देख सकते हो एग्जिट गेट से मैं और मेरा बगल वाला छोटा भाई, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और आप लोग वीडियो में जुड़े रहो और आगे और भी ब्लॉग्स देखते रहो। लोग रात का टाइम है, देख सकते हो पीछे ही है सेक्टर 2C। तो अभी जस्ट मैं सेक्टर 2C से निकला हुआ, थोड़ा यहाँ पे अनवांटेड ज़्यादा साउंड भी है तो इसलिए मैं ज़्यादा अंदर में फेस दिखा के फेस टू फेस कुछ बोल नहीं पाया। जितना हो सके मैं ट्राई किया हूँ सब कुछ दिखाने के लिए, मेरा फेस तो देख के फायदा है नहीं, पैंडल हॉपिंग करके मज़ा है और पंडाल और मंडप दिखा के फायदा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे रुक गया हूँ। और नेक्स्ट जगह जो है वो जा रहा हूँ सेंटोस क्लब की तरफ, जो सेंटोस क्लब भी दुर्गापुर में एक बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ पे जाएंगे और व्लॉग करेंगे। तो मैं अकेले नहीं आया था, मेरा दोस्त भी आया था, मतलब मेरा छोटा भाई भी है पीछे। तो चलो वहाँ पे जाते हैं सेंटर्स क्लब एंड मिलते हैं मोटर व्लॉगिंग सेटअप। A few moments later. So, भाई लोग देख सकते हो आई थिंक आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा तो आपको दिख गया होगा सेक्टर 2C वाला ब्लॉग जो दुर्गापुर में एक फेमस लोकेलिटी है। यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे सेंटर्स क्लब की तरफ क्योंकि सेंटर्स क्लब भी एक बहुत ही फेमस जगह है दुर्गापुर सिटी में। तो वहाँ पे जाएंगे और थोड़ा सा व्लॉग करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो भाई, ग्राउंड लेवल से जाके रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक दुर्गापुर में और भी बहुत सारे व्लॉगर हैं, मोटो व्लॉगर जो भी बोल लो, इतने अच्छे से नहीं व्लॉग करके दिखाते होंगे एकदम ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग जाके। मैं भाई अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा लव सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। और चलो कुछ देर में ही पहुँच जाएंगे सेंटर्स क्लब। और यहाँ पर मेन दिक्कत होगा भाई साहब पार्किंग खोजने में, तो पार्किंग खोजने में एक इशू हो जाता है। तो भाई देख सकते हो पैदल जाना पड़ रहा है, तो आप लोग थोड़ा व्लॉग में जुड़े रहो, ठीक है। जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ, सो फार सो गुड। तो ये वाला जो आप पूजा पंडाल देख रहे हो ये वाला है दुर्गापुर का एक फेमस और बड़ा लोकेलिटी, वो है सेंटोस क्लब दुर्गापुर। तो आई थिंक आप देख पाओगे कि भाई पूरा महल लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि दुर्गा पूजा का पूजा मंडप या पूजा पंडाल है, लग रहा है कि कोई महल में सब इंसान आए हैं विजिट करने और मस्ती करने भाई। और लेकिन भाई आप जानते हो ना दुर्गापुर में या दुर्गा पूजा का क्या क्रेज़ रहता है भाई, एकदम सही सीन रहता है। देख सकते हो धीरे धीरे करके कैसे मैं सीढ़ी से जा रहा हूँ और सेंटर्स क्लब दुर्गापुर का ऊपर जा रहा हूँ, मतलब अंदर जा रहा हूँ पूजा मंडप का। यहाँ पे धीरे धीरे आप मेरे को भी देख पाओगे, अकेले ही सब करना पड़ता भाई। और जैसे ही नीचे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सीढ़ी से कितने लोग जा रहे हैं, पूरा भीड़ है चारों साइड में। यहाँ पे इतना भीड़ था कि भाई धीरे धीरे करके उतरना पड़ रहा था। यहाँ पे आप मेरे को देख सकते हो, मैं व्लॉगिंग करते करते जा रहा हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे इतना कॉपीराइट वाला सॉन्ग चल रहा था कि मैं कुछ बोल भी पाऊँगा तो आप नहीं सुन पाओगे। और जैसे ही अंदर घुसता वैसे ही आप देख पाओगे कि ऊपर में सीलिंग, भाई दुर्गा पूजा के टाइम अगर कोई पूजा मंडप पर जाता अगर सीलिंग का वो झूमर नहीं देखते तो भाई आपने क्या देखा भाई, सही रहता है झूमर देखने में। और सामने ही देख सकते हो यहाँ पे दुर्गा माँ का प्रतिमा है, सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं, दर्शन ले रहे हैं, तो मैं भी दर्शन लेने जाता हूँ और आप लोग भी मेरे वीडियो के थ्रू थोड़ा दर्शन ले लो दुर्गा माँ का। और भाई फिर से मैंने एक बार ऊपर कर दिया है कैमरा ताकि आप देख सको कि भाई जो सीलिंग होता है ना इतना मस्त लगता है ना झूमर देखने में कि भाई लगता है कि काश मेरा भी एक ऐसा घर होता जिसमें इतना बड़ा झूमर होता, तो ये मेरा फैंटेसी वर्ल्ड था। और सामने यहाँ से आई थिंक अपने मैंने सब दिखा दिया सेंटर्स क्लब को, मैं यहाँ से बाहर धीरे धीरे करके निकल जाता हूँ। सेंटर्स क्लब के हम लोग नीचे आए थे, यहाँ पे देख सो सब लोग चेयर पे बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, तो यहाँ पे आप मुझे भी देख सकते हो। तो मैं भी चेयर पे यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा छोटा भाई भी यहाँ पे बैठा है। और पीछे आई थिंक आप देख पाओगे कि सेंटर्स क्लब का बड़ा सा पूजा पंडाल है जिसका मैं बात कर रहा था। और यहाँ पे देख सकते हो सामने कुछ फंक्शन होगा या कुछ किया जाएगा तो इसलिए सब लोग यहाँ पे बैठे, तो हम लोग भी बैठ गए। मैं यहाँ पे फिलहाल अपना बाइक का हेलमेट और माउंट और बैग यहाँ पे रखा हूँ। और आई थिंक आप मेरा पीछे ही देख पाओगे कि है सेंटर्स क्लब का पूजा पंडाल जिसका मैं बात कर रहा था। तो आप लोग को थोड़ा सा स्टैचू एक बार अच्छा से दिखा देता हूँ। तो आप लोग भाई नज़ारा देख सकते हो, चारों साइड पूरा लोग खचाखच भरे हुए हैं और पूरा बीच में लाइन करके सब लोग देखने जा रहे हैं, तो एकदम सही सीन है भाई। और चारों साइड देख रहे हो कभी भी लोग आ ही रहे हैं। सो भाई लोग आई थिंक आपने वीडियो देख लिया होगा, मेरा पीछे है सेंटर्स क्लब, पता नहीं क्वालिटी कैसा भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है बहुत देर, यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग 30 मिनट बैठ लिए, मतलब आधा घंटा ऑलमोस्ट बैठ चुके हैं। अब यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है, मैं आई थिंक ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जो भी हो रहा है भाई डायरेक्ट इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, क्वालिटी बताना कैसा क्या आ रहा है। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं।
सो भाई लोग अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको पता लग ही गया हो कि वीडियो क्या था। तो मैं जस्ट टहलते टहलते अपना दुर्गापुर जो सिटी है वहाँ पे दो फेमस जो सबसे बड़ा पूजा मंडप जहाँ बनाया जाता है, तो दो लोकेलिटी है, एक है सेक्टर 2C और एक है सेंटोस क्लब, तो मैं वहीं पे गया था ताकि आप लोग को बहुत अच्छा ब्यूटीफुल ब्लॉग देखने को मिले। और मैं वहाँ पे ब्लॉग करने का ट्राई किया लेकिन भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपीराइट सॉन्ग चल रहा था और बहुत ज़्यादा अनवांटेड वियर्ड साउंड था, तो मैं भाई फुल वो माहौल वाला साउंड को इनेबल नहीं किया। वीडियो में आई थिंक देखा होगा कि जो रियल साउंड था वो मैंने म्यूट कर दिया है और मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने वॉइस ओवर किया। सो भाई लोग अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। भाई लोग आप लोग को एक ही बात बोलूंगा, आप लोग थोड़ा सा मेरा चैनल को सपोर्ट करो। एंड चलो साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय टुडेस व्लॉग। सो गाइस राइट सेफ राइट हार्ट अर्न मनी बी हैप्पी चेज और मेक अदर्स हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड मैं सोशल मीडिया हैंडल का लिंक दे दूंगा, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तभी जस्ट ऐसे बिस्तर पर लेट के एडिटिंग कर रहा था तो मैं भूल गया कि अरे भाई मैंने तो वीडियो एंड ही नहीं किया। उस वक्त चलो थोड़ा सो के एडिट कर रहा था, सो के सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो एंड कर देते हैं। एंड होप करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड थोड़ा सा लव सपोर्ट दिखाओ। और चलो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं एंड प्लीज़ डू फॉलो माई चैनल टू गेट नोटिफाइड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज।